नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर जोगलेकर और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है डबल रोल, स्टोरी ऑफ राम और श्याम। जी हाँ, इंटेलिजेंस के कोर्स में आज शाम को जो लेक्चर होने वाला था वो था ब्रिगेडियर खन्ना साहब का। वो बहुत बहुचर्चित और एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी से हमारी मुलाकात होने वाली थी और उनका लेक्चर हुआ भी उसी स्टाइल से। उन्होंने पहले तो सब इंटेलिजेंस की व्याख्या बता दी, इंटेलिजेंस का स्कोप क्या होता है, और उन्होंने कहा कि कल सुबह के लेक्चर में मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगा, लेकिन उसकी तैयारी के लिए आज मैं आपको ये सीडी दे रहा हूं, आज शाम को 6:30 बजे के बाद ये फिल्म देख लेना। हमें भी बड़ा अजीब लगा, बड़ी उत्सुकता थी कि कौन सी फिल्म देखने वाले हैं। तो हमने जो फिल्म देखी वो बहुत ही मज़ेदार थी, राम और श्याम उस फिल्म का नाम था। 1965 साल की ये फिल्म थी, दिलीप कुमार का डबल रोल था उसमें, मुमताज, वहीदा रहमान और प्राण साहब, इतने चार दिग्गज कलाकार और बड़े मज़ेदार ढंग से एक राम नाम का सीधा युवक और श्याम नाम का एक थोड़ा सा और रिबेलियस टाइप का युवक, इन दोनों की कहानी थी और उनमें अदला बदली हो जाती है और फिर जो कुछ होता है उसकी कहानी राम और श्याम फिल्म में बयान की है। बहुत ही ज़बरदस्त हिट उस समय की, दिलीप कुमार का बहुत ही शानदार अभिनय, उनके साथ बाकी कलाकारों का साथ, हम बहुत खुश हुए और हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कल कौन सी केस स्टडी हम सुनने वाले हैं। ब्रिगेडियर साहब आए और उन्होंने कहा कि कभी कभी ये होता है दोस्तों कि हम अपने किसी कैंडिडेट को चुनते हैं, उसको इंस्पायर करते हैं आर्मी में ज्वाइन होने के लिए। आज ये मैं वैसी एक कहानी सुनाने वाला हूँ। तब मैं जम्मू और कश्मीर के पोस्टिंग में था और मेरी दो युवकों से अच्छी पहचान थी, रहीम और अनवर। उनमें विशेष बात ये थी कि वो जुड़वा थे, उनमें भी बहुत फ़र्क भी था। रहीम ये बहुत ही सीधा साधा, नेक, नियमों का पालन करने वाला, अपना सब काम मन लगा के करने वाला ऐसा युवक था, और अनवर थोड़ा सा रिबेलियस टाइप, कभी भी किसको बहुत आसानी से इज्जत नहीं देने वाला और अपना आर्ग्यूमेंट करने वाला इस तरह का युवक था। होशियारी में दोनों का कोई बहुत फ़र्क नहीं था, दोनों भी अपने अपने अव्वल नंबर पे आते थे अपने अपने विषयों में। तो मैंने दोनों को इनक्रेज किया, दोनों ने एग्ज़ाम पास की और आर्मी में आने के बाद मैंने क्या देखा कि रहीम तो अपने हिसाब से आगे चलते गया और अनवर थोड़ा सा अनपॉपुलर हो गया, क्योंकि उसको उसकी जो हैबिट, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट न देने की हैबिट, उन दोनों में ये जो थोड़ी सी होड़ थी या थोड़ा सा छोटी सी शत्रुता थी, उसकी और एक वजह थी शबाना। शबाना रहीम से प्यार करती थी, उनके रहन सहन में काफ़ी सिमिलैरिटीज थे, क्योंकि शबाना को उसी टाइप का युवक पसंद था जो अपने काम में लगन रहे, बहुत ही डेडिकेटेड आदमी, और उसके घर वालों को भी तो उसकी पसंद तो यही थी। तो शबाना ने जाहिर सी बात है रहीम से अपने रिश्ते बढ़ा दिए, आंखों में आंखें डाल के बात करना, और वो कभी एक दूसरे के अंदर दीवाने हो गए, एक दूसरे में कितना खो गए, ये तो सोचने की ही बात है। और करीबन 2 महीने में उनका रिश्ता पक्का हो गया। इधर अनवर पे इसका बहुत बुरा असर हुआ, पहले से वो थोड़ा सा वो रिबेलियस टाइप तो था ही, पर अब ये एक तरह से हार होने के बाद उसका रहन सहन और भी बदल गया। 5 सालों का शॉर्ट सर्विस कमीशन उसने तो पूरा किया, लेकिन उसको कोई प्रमोशन वगैरह मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। रहीम अपने रास्ते पे जा रहा था, एक के बाद एक प्रमोशन ले रहा था। अनवर 5 सालों के बाद उसने जब रिटायरमेंट ली, तब तो पूरा आसमान खुल गया, पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता था वो, और उसको एक अच्छा जॉब भी मिला सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का। लेकिन देखते क्या है कि उसको दुश्मनों की इंटेलिजेंस संस्थाओं ने, दुश्मनों की फौज ने उसको काफ़ी
हमारे हिसाब से एक तरह से ब्रेन वॉश किया। उनको कहा कि आर्मी ने तो आपकी कोई इज्जत रखी नहीं, आपको तो कुछ प्रमोशन वगैरह मिला नहीं, तो आपको इसका बदला लेना चाहिए। क्या है आर्मी को, उनको दिखा देना चाहिए आप में क्या टैलेंट था और उन्होंने क्या मिस किया। वो कैसे रहीम को ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, इस तरह की भड़काऊ बातें उन्होंने की होगी। और नतीजा ये हुआ कि अनवर उनके इशारों पर नाचने लगा। हो सकता है उसे कुछ पैसे भी दिए हो, उसे और भी कुछ आकर्षण उसके पास होंगे, हमें पता नहीं, लेकिन वो हमें ये महसूस हुआ कि ये आदमी बुरे रास्ते पे गया। लेकिन हमने उसके फ़ोन पे नज़र रखना शुरू किया, उसके घूमने पर हमने काफ़ी एक तरह से मॉनिटरिंग करना शुरू किया, और हमारे समझ में ये आया कि ये टेररिस्टों के गुट से मिलके कुछ काम कर रहा है। उनकी योजना ये थी कि 2014 में जो हमारी मुंबई की मेट्रो शुरू हो गई थी उसका एक स्टेशन और मेट्रो की गाड़ी दोनों उड़ा देना। ये सब मुंबई में करने का उद्देश्य ये था कि पूरी दुनिया की नज़रें मुंबई पर रहती है, और मुंबई में कुछ भी छोटा सा धमाका भी किया तो उसकी हवा बहुत हो जाती है और एक आतंक भय का माहौल फैल जाता है, और ये तो काफ़ी बड़ी घटना थी। हमने अपनी तरफ से सोचने लगे हम क्या कर सकते थे, लेकिन हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन अनवर तो एकदम अपने काम में एकदम पूरी दिल लगा के काम कर रहा था, यूँ समझिए। इस तरह के निगेटिव कामों में उसकी इतनी रुचि होगी इसकी हमने कभी परिकल्पना नहीं की थी। और फिर वो दिन आया, 14 जुलाई को मेरे ख्याल से वो धमाका होने वाला था। 7 बजे सुबह वहाँ पे अनवर जा पहुँचा, सब अपने छोटे मोटे काम कर लिए। वो वहाँ के वर्करों में तो काफ़ी पॉपुलर था, हो सकता है उसके वो टेररिस्ट गुट ने उसको इंस्ट्रक्शन दी हो कि वहाँ पे आपको पॉपुलर बन के रहना है। और 8 बज गए, 1 घंटा था, 9 बजे धमाका होने वाला था, 8:30 9:30 10 मिनट बाकी, 9 मिनट बाकी, और अनवर बहुत शांत था। और ठीक 9 बजे उसने वो धमाका कर दिया, लेकिन अजीब सी दुर्घटना हो गई। गाड़ी तो उड़ी नहीं, ट्रैक तो उड़े नहीं, उड़ा उसका ऑफिस, और उसी ऑफिस के धमाके में अनवर की जान चली गई, अनवर मर गया। दूसरे दिन पेपरों में आया भी कितना पॉपुलर था, कितना अच्छा आदमी था, और उसमें क्या किया, सब बहुत सारे प्रेस पे बहुत कुछ आ रहे थे। सच्चाई क्या थी ये सिर्फ हम जानते थे। अनवर मरा नहीं था, अनवर के बदले हमने रहीम की योजना की थी वहाँ पे, और अनवर को वहाँ से निकाला था एक जैसे ही मौका मिले। अनवर और रहीम में कुछ फ़र्क तो था, लेकिन वो सिर्फ शबाना को पता था उसका क्या, उन दोनों में पर्सनैलिटी में बोलने चालने में क्या फ़र्क है वो। तो हमने कॉन्फिडेंस में लिया शबाना को, शबाना के माँ बाप को, और रहीम और अनवर के माता पिता को, ये सब हमने उनको कॉन्फिडेंस में लेके ये काम किया था। रहीम वहाँ था, रहीम तो इंटेलिजेंस का ऑफिसर था, जैसे धमाका हुआ तो उसने किसी एक छोटे रास्ते से वहाँ से निकलना पसंद किया, और वो जो धमाका होना चाहिए था वो होने नहीं दिया। रहीम ने अपना काम तो बहुत अच्छी तरह से कर दिया था। आर्मी इंटेलिजेंस की हमें बहुत तारीफ़ करनी होगी कि उन्हें कितना मॉनिटरिंग की होगी, कितना पेशेंटली काम किया होगा। हम सब सुन रहे थे ट्रेनरों को, और हमने सोचा ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, और हमारे मुंह तो यूँ ऐसे खुले ही थे ये सब सुनने के बाद, ये ऐसा सब, इतना सब काम होता है और ऐसे काम करना पड़ता है। और फिर सवाल जवाबों का सेशन शुरू हुआ। ब्रिगेडियर साहब ने एक बात हमको बताई थी कि इस कहानी का एक बहुत ही अजीब और इंटरेस्टिंग मोड मैं आखिरी 2 मिनटों में बताऊँगा। तो हम सवाल जवाब तो कर रहे थे, जवाब सुन रहे थे, लेकिन हमारा सब ध्यान वो आखिरी 2 मिनटों पे था, और वो आखिरी 2 मिनट आ गए, और जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा वो सुन के तो हमने कान ही पकड़ लिया कि बाप रे ये तो बहुत ही ज़बरदस्त घटना है। ब्रिगेडियर साहब ने रहस्य भेद किया, वो उन्होंने कहा कि अनवर मरा नहीं, क्योंकि जिंदा आदमी ही मर सकता है, अनवर नाम का कोई शख्स था ही नहीं, अनवर को तो हमने ही पैदा किया था,
अनवर की सब कहानियाँ, वो कौन से स्कूल में जाता था, वो कॉलेज में कौन से गया, आर्मी में कैसे भर्ती हुआ, आर्मी में उसको कैसे इंसल्ट हुई, आर्मी में उसको कैसे जमा नहीं और उसको 5 साल के बाद कैसे उसको वहाँ से छोड़ना पड़ा, ये सब कहानी तो हमने ही प्लॉट की थी। और अनवर की जगह पे हमने रहीम की ही योजना की थी, रहीम ही सब ये कुछ कर रहा था। ये बात किसी को समझ में नहीं आई, सिर्फ हमने कॉन्फिडेंस भेजा था, जैसे मैंने पहले ही कहा, उसके फैमिली को। तो ये है आर्मी इंटेलिजेंस का एक नमूना। अब तो हम एकदम फैन हो गए ये ब्रिगेडियर साहब के, और उनके तो कारनामे तो हमने बहुत सुने थे। तो हमने कहा कि सर ये कहानी तो पूरी हो गई, हम तो समझ गए कि क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन अब आगे अगली केस क्या होगी। तो ब्रिगेडियर साहब अपने अंदाज में ज़ोर से ठहाका मार के हंस पड़े और उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म से ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ऐसी कितनी सारी कहानियाँ हैं, कल और एक नई कहानी और एक नया केस। मगर ये है कि बॉलीवुड का जो कल्चरल बेस है वो बहुत सारे देशों में मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, हम उसका फ़ायदा लेते हैं। और फिर राम और श्याम केस, रहीम और अनवर केस, अब रहीम और अनवर ये भी तो सही नाम नहीं हो गए, ये तो हमें अंदाज़ा आ चुका था, ब्रिगेडियर साहब ने तो नाम बदल के ही हमको कहानी कही होगी। हम वो कोर्स पूरा होने के बाद भी आज कितने सारे साल हो गए, लेकिन हम वो कहानी अभी तक भूल नहीं पाए। नमस्कार।